दोस्तों तो कैसे आप लोग, उम्मीद करते हैं अच्छे हैं। तो अच्छा ही होना चाहिए था, हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहिए। तो चलिए आज आप लोगों को दिखाते हैं काउंटर बेड, जिसमें चलता है वायर रोप, वो सब सारे सिस्टम क्रेन से जो सेटिंग हो रही है। तो चलिए आप लोगों को दिखा रहा हूँ, बने रहिएगा वीडियो में। उससे पहले हमारे ड्राइवर ट्रिक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे अमेजिंग अमेजिंग वीडियो देखने के लिए और ट्रिक्स देखने के लिए। ठीक है, हमारे चैनल पर आपको क्रेन, हाई बार ट्रक, पोकलेन, जेसीबी ट्रक का वीडियो मिलेगा, कंडक्शन लाइन कंपनी और बेल्डिंग लाइन, ये सब के हमेशा वीडियो मिलेंगे आपको देखने के लिए। तो ठीक है, ऐसे वीडियो आप लोग देखने के लिए भाई हमारे ड्राइवर ट्रिक चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर ले, और बेल आइकन बटन को ऑन कर ले, ताकि आपको हमारा वीडियो ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आपको फ़ोन पे अपने आप मोबाइल पे नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं भाई अमेजिंग वीडियो ये देखिए, और आप लोग को दिखाऊंगा एक से एक नज़ारा, समझ गए। तो एक से एक नज़ारा देख लीजिए, और ये देखिए ये टॉप का है। ठीक है, अभी इसको फिट करेंगे हम लोग, तो मैं ही गाड़ी चलाता हूँ, और तो कैमरा मैन गाड़ी खड़ा करने के बाद ही रिकॉर्ड करना चालू करता हूँ, क्योंकि कैमरा मैन हमारे पास नहीं था। अभी कैमरा मैन रहता है तो भाई वीडियो शूट करने में आसान हो जाती है, या फिर चलाते हुए मैं दिखाऊंगा। तो चलिए भाई ये देखिए ये क्या है, आप लोग कमेंट करके बताइए। ये जो इसमें देख रहे हैं एक ड्रम लगा हुआ है बेंच की, ठीक है, इसमें वायर रोप वाली एक ड्रम है नीचे में जो लटका हुआ देख रहे हैं। तो चलिए, और जो ड्राइवर भाई है वो कमेंट करके बताए इसको क्या बोलते हैं, जो अभी उठा रखा है क्रेन के ऊपर जो चढ़ाने जा रहा है, फिट करने जा रहा है भाई। तो मैं चलिए कोशिश करता हूँ जूम करने का। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप लोग, दिख रहा है आपको अच्छी तरीके से देख सकते हैं। तो भाई वीडियो देखिए और लाइक और सब्सक्राइब और लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, क्योंकि हमारा भाई ऐसा है कि हर लोग पब्लिक जो है, पब्लिक ऑपरेटर भाई जो अपने हैं, जो सबको उनको पता होना चाहिए क्या चीज़ें हैं, कैसी होती है सेमल। तो ये है क्रोवर क्रेन 400 टन की XMG कंपनी का, ये भाई हो रहा है 15-20 दिन हो गए XML करते हुए। ठीक है, अभी 15-20 दिन और लगेंगे बूम ऑफ होने में। तो अगर हमारे चैनल पे आप बने रहेंगे तो आपको बूम ऑफ कैसे होता है पूरा फुल, अभी लास्ट देखिए एक बड़ा वाला मेन बूम जो है XML हो चुका है, फ्लाई जीप जो जीप बोलते हैं ये वाली जो सेट है ये बाकी है। चलिए मैं चलता हूँ नज़दीक, और नज़दीक से दिखाता हूँ वीडियो भाई कैसा दिखता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो हमारा चैनल को ड्राइवर टेक को सब्सक्राइब करना ना भूले भाई, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो हमारे देखते हैं लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं आपका जाएगा भाई, समझे, हमें कम से कम सपोर्ट तो मिल जाएगा वीडियो डालने के लिए। देख सकते हैं दो ड्रम इसमें लगा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, एक आगे और पीछे ड्रम है, बाकी ये फाइबर की पुल्ली है, और जो हुक में मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था, आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा, वो पुल्ली हुक का वाला पुल्ली जो था वो उसका था, लोहे का था, ये फाइबर की है। ठीक है, तो देख सकते हैं आप लोग फाइबर की है और लग चुकी है। तो देख लिए, ये रहा क्रेन का कंपनी का नाम, ये देख सकते हैं थोड़ा मूवमेंट हो रहा है, क्योंकि वो क्रेन ज़्यादा तक डाउन नहीं आ सकता है, और इसी को मैंने फराना से शिफ्ट कर रहा था, जो पलटते पलटते बचा था। आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा हमारे चैनल पे, ठीक है, क्योंकि मैं वीडियो का लिंक नहीं डालता हूँ किसी वीडियो पे इसके लिए। तो यही जो चीज़ है क्रेन से उठा रहा है भाई, और यही चीज़ मैंने फराना से उठाया था और खाली भी किया था, इसके लिए पलटते पलटते बचा। ठीक है, तो देखिए भाई अभी आप लोग हमारे वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए, आपको ये कैसे फुल फिटिंग होता है वो आपको वीडियो दिखाऊंगा, समझ गए, तो देखते रहिए। मैं कंपनी में एडिटिंग कर रहा हूँ, इसके लिए काफ़ी इस वीडियो में हमारा शोर शराब आएगा, और थोड़ा मैंने मार्चिंग का आवाज़ डाल दिया है, तो आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए देख रहे हैं फाइनली ये सेट हो जाएगा, अब तो इतना ही मैं वीडियो डालूंगा, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसके लिए मैं थोड़ा और कम वीडियो डालूंगा, ठीक है भाई, क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाता है वीडियो, इसके लिए मैं पार्ट बाई पार्ट और डालता हूँ थोड़ी थोड़ी वीडियो XML का, क्योंकि उतना टाइम किसी के पास रहते नहीं है देखने के लिए, क्योंकि अभी तो सब लोग शॉर्ट वीडियो ज़्यादा देखते हैं, और दूसरी चीज़ें मुझे लंबा वीडियो डालूंगा तो अपलोड करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि यहाँ भाई नेटवर्क जामर लगा है,
देख रहे हैं बिल्डिंग के काम चल रहे हैं, यहाँ पे जामर लगा है तो मुझे कहीं और जाकर अपलोड करना पड़ता है, काफ़ी मेहनत करता हूँ भाई वीडियो डालने के लिए। तो आप लोग प्लीज, आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब्सक्राइब कर लीजिए कम से कम, ताकि मैं हमेशा ये देखिए, ये भाई भी इंस्टाग्राम पे वीडियो डालने के लिए शूट कर रहा है, मुझे देखा रिकॉर्ड करते हुए। तो ये देख सकते हैं ये टावर क्रेन है, और पीछे जो देख रहे हैं ऐसा ही क्रेन है खड़ा है 400 टन की वो भी, और ये भी खड़ा हो रहा है। तो भाई तो चलिए और थोड़ा पास में आपको दिखाता हूँ, और देखिए और कॉमेंट करके बताइए वीडियो आप लोग को कैसा लगता है, अच्छा लगता है या नहीं, क्या कमियाँ होती है मुझे रिकॉर्ड करने में या वीडियो बनाने में आप लोग बता सकते हैं। क्योंकि एक कमियाँ तो मुझे पता चलता है सामने से ही देख के, क्योंकि भाई मेरे पास माइक नहीं है, माइक मैं लेने का कोशिश करता हूँ पर मिलता नहीं जल्दी। तो मैं माइक जब ले लूँगा तो आप लोग का आवाज़ और ये सब वॉइस क्लियर मिलेगा, ठीक है। तो सपोर्ट कीजिए इसके लिए भाई। तो देखिए आप लोग को कैसे कौन सा पार्ट कैसे लगता है देख सकते हैं, ना याद हो तो हमारा वीडियो यूट्यूब पे सर्च मार के चला के देख सकते हैं। ऑपरेटर भाई है उनके लिए भी, और ईगर भाई है उनके लिए भी जानकारी होनी चाहिए। तो सभी के लिए भाई जानकारी है, जितनी जानकारी है उतना ज़्यादा नॉलेज तो भाई हर जगह भी आजकल क्रेन का काम चलता है, ठीक है। कहीं भी आप जाओगे, कंडक्शन लाइन हो, कंपनी लाइन हो, या प्लांट लाइन हो, या फिर वो आपको क्या बोलते हैं बिल्डिंग लाइन, हर जगह फ्लैट जहाँ बनते हैं वहाँ भी क्रेन अब चल रही है। क्योंकि भाई रूम बन के आता है ऑलरेडी कम प्लांट के अंदर से ही कंक्रीट करके, और रूम उठा के सीधा फ्लैट के ऊपर एक के ऊपर दूसरा लगाते जाना है, ठीक है। छत दीवार वार रूम वूम बाथरूम किचन सब बन के आते हैं, सीधा उठा के उसको लगा देना है। इस जितने बिल्डिंग देख रहे हैं ना आप लोग, इसमें एक भी ईंट का इस्तेमाल नहीं हुआ है। आप कहीं भी देख सकते हैं यहाँ पे जो बिल्डिंग चल रही है, एक भी ईंट नहीं है यहाँ पे। आप ईंट ढूंढते रह जाएंगे नहीं मिलेगा, ठीक है। ये जितने देख रहे हैं नीचे ढाल के, ये फर्स्ट फ्लोर जो है ढलैया करके गया है। तो देख सकते हैं फिटिंग हो रहा है भाई, और काफ़ी आराम से होता है क्रेन से, क्योंकि इसमें पाइप वाइप ज़्यादा करके रहते हैं। इसके चेचिस केबिन के अंदर जो उसको भाई खड़ा है वहाँ पे पाइप रहती है, और ये जो उठा रखे इसमें भी पाइप कनेक्शन, एक भी पाइप टूटना फटना नहीं चाहिए, क्योंकि मिलना काफ़ी मुश्किल होता है, और इसको समझिए ना के बराबर यहाँ मिलता है। तो भाई आप लोग देख सकते हैं, तो मैं वीडियो को करता हूँ समाप्त, क्योंकि काफ़ी हो चुका है लंबा, लेकिन मैं लास्ट तक सोच रहा हूँ आप लोग को वीडियो दिखा दूँ कैसे फिटअप किया जाता है, इसका पिन उन ठोका जाता है। तो आप लोग को लास्ट तक मैं वीडियो दिखाने का कोशिश करूँगा, बने रहिएगा वीडियो में। ये भाई लास्ट तक मैं करता हूँ, देखिए थोड़ा सा और रह गया है पॉइंट पर उसका रखने का, ये देख रहे हैं आगे के तरफ दो होल दिख रहा है, वो पिन में जाएगा और पीछे के तरफ पिन में जाएगा, क्योंकि ये जो चीज़ है भाई पीछे से खड़ा होता है, अप और डाउन होते रहता है, समझे। आगे की तरफ पिन जाएगा और यहाँ पे रहेगा, और तो अप डाउन होता है, तो पाइप पे कोई फंसना नहीं चाहिए, वायर रोप नहीं फंसना चाहिए, इसके लिए इस पर ध्यान और गौर रखा जाता है, समझे। तो देख सकते हैं भाई आप लोग, इसको काफ़ी टाइम लग रहा है असेंबल करने में, क्योंकि पहली बार अभी हो रहा है, तो इसके लिए डायरेक्ट एजेंसी से पेटी पैक आके यही हो रहा है। तो चलिए भाई मैं वीडियो का अब कर देता हूँ ख़त्म, क्योंकि भाई वीडियो हो चुका है काफ़ी लंबा, और मैं वीडियो लास्ट में डाल दूँगा लास्ट तक कैसे भाई सीलिंग खोलते हुए। तो आप लोग वीडियो को देख लीजिएगा, हमारे ड्राइवर ट्रिक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो भाई लास्ट तक वीडियो में बने रहे उनको धन्यवाद करता हूँ। और हम ऐसा कोई वीडियो में नहीं बताते हैं कि हमारा वीडियो स्किप ना करें, आप स्किप करके देख सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, स्किप करके देखिए पर देखिए ज़रूर, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए ये देखिए हो गया फिटिंग, और सीपी इसमें पिन डालना है, ये देख रहे हैं होल पे पिन डालना है। तो चलिए मैं वीडियो को करता हूँ समाप्त, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ अगले दिन, बने रहने के लिए भाई बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। वीडियो को करता हूँ समाप्त, काफ़ी हो चुका।